रवि जी, रवि जी आज आप नामांकन करने आए हैं, किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है यहाँ के लोगों में बीजेपी कार्यकर्ता? एक जुनून है, एक मोदी जी योगी जी के कर्मों का जुनून है और वो जुनून उत्तेजना पूरे देश में है और उतनी ही ज्यादा उत्तेजना, एक ज्वलंत उत्तेजना है गोरखपुर के ये गोरखपीठ के पावन धरती पर। तो ये आप जो देख रहे हैं ये मोदी जी योगी जी के कर्मों का नतीजा है, जो उन्होंने अच्छे काम किए हमारे गांव देहात ग्रामीण छोटे शहर वो देख रहे हैं। ये नॉमिनेशन में आप देख रहे हैं एक बदले की भावना है। 2018 के चुनाव में जो एक छल हुआ था, मात्र 21,000 वोट से सांसद का चुनाव हार गए थी भारतीय जनता पार्टी, उसका बदला लेना है सबको 19 मई को। तो ये उत्तेजना उसकी है या आक्रोश उसका है कि मंदिर की सीट छल से किसी ने ले ली जो 50 साल से मंदिर की थी, गोरखपीठ की सीट थी। तो ये उत्तेजना उसकी उत्तेजना है, ये संस्कृति की उत्तेजना है, राष्ट्र प्रेम की उत्तेजना है, धर्म प्रेम की उत्तेजना है। हर नई सुनामी है, ये कितने वोटों से आप जीत रहे हैं? 74 सीटें आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, हमारी सीटों का एक ऐतिहासिक विजय होगी ये आप 23 मई को देखना। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जीत, योगी महाराज की जीत, भारतीय जनता पार्टी संगठन की जीत होगी, सत्य की जीत होगी। भैया विपक्षियों का एक मुद्दा है कि आप बाहरी हैं, इस पे क्या जवाब देना चाहते हैं? मामखोर सुकुल है ये।